माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर गोभी, तो वो झटपट बन जाती है। प्लीज नेवर माइंड। गोभी जो है फ्रेंड्स, मैंने पहले गर्म पानी में धो ली थी, लेकिन जो मटर है ना वो मैंने ऐसे ही सीधे इसमें ऐड कर दिए, डाल दिए थे इसके साथ में, तो उसमें थोड़ी बर्फ थी अभी, तो इसलिए एक बार फिर से मैं धो रही हूँ इसको। 2 मिनट पानी में ही रह दूंगी। आप देखिए मटर कितने हरे भरे हैं। आप देखोगे जब भी मैं काम करती हूँ मैं हाथ बहुत धोती हूँ, और धोने भी चाहिए। हाँ जी, मैंने कुकर ले लिया, तो जब जल्दी होती है मुझे तो मैं बनाती हूँ रिफाइंड में, और जब मैंने आराम आराम से सब्जी बनानी होती है फिर मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में, बिकॉज सरसों का तेल गर्म करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आज जल्दी तो आज मैं बना रही हूँ रिफाइंड में।
और सब्जी वगैरह दाल हो सब्जी हो मैं उतनी ही बनाती हूँ कि मतलब कि उसी टाइम एक टाइम के लिए कि ताजा ताजा ही बनाना मुझे पसंद है। देखिए मैंने ना एक चम्मच तेल लिया है, एक चम्मच नहीं करछी, मेरे को तो खैर अंदाज है, और जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, तेल तो गरम हो गया है, ऐसे मैं देख लेती हूँ। और उसके बाद मैं सीधा इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्याज और जिंजर काटा था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को हल्का ब्राउन करना है। बस जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। देखिए ये हल्का ब्राउन हो गया है, बस इतने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। थोड़ा बचा के टमाटर ऐड करिए, क्योंकि इसमें साथ में थोड़ा पानी भी होता है ना, तो ये चीजें आप पे बच सकते हैं। इसलिए थोड़ा दूर रहकर टमाटर को मसाले में मतलब तेल में छोड़ें, और साथ ही मैं इसे ऐड कर दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में मसाले तेज खाते हैं, मिर्च तेज खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च ऐड कर ली और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। वन एंड हाफ स्पून मैंने ऐड करा इसमें नमक। चिमनी का शोर बहुत है, आई नो कि आपको डिस्टर्बेंस होती होगी है ना, पर क्या करूँ, मजबूरी है। 2 मिनट के लिए चलाई गई है मैंने इसलिए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गोभी। आप देख लीजिए कि मैंने एक बार भी वीडियो बीच में पॉज नहीं करी है, ये सब्जी कितनी जल्दी बन रही है। मैं गोभी भी ले आई हूँ, अब मैं वो ऐड करने जा रही हूँ। ये गोभी मसाला, गोभी मटर जो है ना बहुत ही स्वाद बनती है, और सादा परांठे के साथ तो भाई मजा आ जाता है। मुझे साथ में चाहिए होती है कप चाय, पर अभी मुझे जल्दी है तो मैं सिर्फ सब्जी बना के भाग जाऊंगी उनसे, जहाँ पे हमें जरूरी काम से मुझे मम्मी के साथ जाना है, मैं उनके साथ जाऊंगी। और मेरी आवाज में भी समझ सकते हो कि कितनी जल्दबाजी है ना, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। बेटा मत करो, मेरा बेटा बहुत शरारती है, ट्राईपोर्ट आगे करी जा रहा है तंग। अच्छा वो इसलिए कर रहा है कि आपको ताकि मैं अच्छे से दिखा सकूँ। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इतना सुंदर यार, मैं सुंदर जो है ना मेरे मुंह में चढ़ी है।
देखने में अच्छी लग रही है सब्जी, अभी एक गुसल हो जाती है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि दे रही हूँ मैं आपको, गोभी का फूल जोड़ा जरा ना मोटा मोटा रखना है, ताकि मिसल आने पे इसने अपने आप थोड़ा थोड़ा छोटा हो ही जाना है, कीमा गोभी मटर जैसा बन जाएगा। अगर पहले छोटा काट दोगे भी फिर तो बिल्कुल ही इसी में ना गोभी का पता लगेगा, मटर ही मटर नजर आएंगे। अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ और मीडियम आंच पे मैं इसको एक विसल दिलाऊंगी। एक मिसल आ जाए इसको, मैंने जल्दी जल्दी जब तक सारा स्लैब जो है क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी लंच टाइम है, लंच टाइम है तो अभी मेड को आना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ मैंने किचन कितनी क्लीन कर दी है। देखिए ये वाले स्लैब पे मैंने सब्जी काटी थी, इससे छिलके उठा दिए मैंने, ये देखिए ये थोड़े से जूठे बर्तन पड़े हैं वो आके मेड अभी धो लेगी, लंच का भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने स्लैब, थोड़ा सा इसको ना ऐसे ऊपर कर भाई बहनों, इसमें विसल आ गई है। और मैं एक मिनट क्यों 35-40 सेकंड बाद इसको ओपन करती हूँ। ओपन करके फिर मैं इसका पानी सुखा लूंगी। हाँ जी अभी हो ही गए इसको 35-40 सेकंड, विसल निकाल रही हूँ। विसल निकाल के इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी और धनिया पत्ती, धनिया पत्ती नहीं धनिया ऐड कर दूंगी, हरा धनिया। यस ये देखिए मेरी सुंदर सी सब्जी। अभी गोभी के फूल खड़े खड़े आपको दिख रहे हैं ना, तो इसको हमने कीमा गोभी काटर कैसे करना है तो बताती हूँ। वैसे तो कीमा गोभी मटर हम लोग बनाते हैं कद्दूकस करके, मेरी मम्मी बनाते हैं बहुत टेस्टी, पता नहीं माओ के हाथ में इतना स्वाद कहाँ से आता है, वो सबके हाथ का स्वाद ही अलग होता है, तो मेरे हाथ का स्वाद अलग है। पर जब भी आप अपने घर में ये ट्राई करें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सब्जी कैसी बनी थी और कितनी झटपट वाली सब्जी आप ये देखो। और हाउसफोल इसमें मैंने ऐड गरम मसाला डाला, देखिए आप टाइमिंग देख सकते हो कितनी जल्दी सब्जी बनी है। बस पानी सूख जाए तो मैं इसको डिश में निकाल लूंगी सर्विंग बाउल में। चलिए तब तक इसका पानी सूख रहा है तो मैं इसमें धनिया काट के डाल देती हूँ। ये देखिए भाइयों बहनों पानी बिल्कुल सूख चुका है और गोभी हमारी नजर आ रही है, प्रॉपर नजर आ रही है। अब देखिए गोभी मटर बन गए ना, ये गोभी मटर नहीं तो कीमा गोभी मटर हो जाने थे अगर उसी टाइम ना खोलते तो। मटर आप चेक कर ले ऐसे देखिए बिल्कुल, आप नहीं ऐसे करें आप प्लेट में रख के करना चेक, मेरे को तो वही आदत है। और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, धनिया के बगैर मेरी कोई सब्जी नजर नहीं आएगी आपको, मुझे तो धनिया इतना पसंद है ना, उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और वैसे ही मैंने सुना है जो धनिया है ना शरीर में जो गर्मी हो जाती है मुंह में छाले निकल आते हैं उसको भी दूर करता।
ठीक कर देता हूँ, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। चलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाएं, तड़का लगाएं। आपको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रसाद बन जाता, वो इतना स्वाद होता है ना खाना। जी सब्जी अपनी तैयार है, अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। जी मैं इसको ना इसमें ही निकालू, ये इसमें ठंडी हो जाएगी, मैं सर्विंग बाउल में निकाल दूंगी और थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हमारे घर में सब 1:30-2 बजे के लगभग लंच करते हैं और मेड आके बर्तन धो जाएगी। ये मैं कुकर रख देती हूँ सिंक में। देखिए मैं क्यों कहती हूँ कि मुझे सब्जी बहुत सुंदर लग रही है, मुंह से सुंदर वर्ड क्यों निकलता है, आप भी बताइए, सुंदर लग रही है ना, मुझे खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।